हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि आप कौन से नेकलेसेस को किस तरह के ड्रेसेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं। बेसिकली मैं बात करूंगी कि कौन से नेक डिज़ाइंस के साथ कौन से नेकलेसेस को आपको पेयर करना चाहिए, कौन से नेकलेसेस किस नेक डिज़ाइन के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और साथ ही साथ मैं कुछ स्टाइलिंग टिप्स भी आपसे शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, बट उससे पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट फैशन पोस्ट्स के लिए। मेरा आईडी है माय ऑलिव ट्रंक, सो डू जॉइन मी देयर। सो मेनली दो पॉइंट्स आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। अगर ये दो पॉइंट्स भी अगर आपने ध्यान में रख लिए तो आई थिंक बहुत ईजी पड़ेगा आपको ज्वेलरी पेयरअप करने में। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप नेकलेसेस को पेयर करते हैं तो ऐसे नेक डिज़ाइन के साथ पेयर करें जिसमें आपको खूब सारा स्पेस मिले। जैसे कि ये वाला मैंने नेक डिज़ाइन पहना है, राउंड नेक में है, और इसके साथ मैंने ये नेकलेस पहना है, तो काफ़ी स्पेस मिल गया इनको फ्लॉन्ट होने के लिए। तो मेरा जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है वो भी अच्छे से स्टैंड आउट कर रहा है, जो मेरा नेक पीस है वो भी अच्छे से स्टैंड आउट कर रहा है। तो इस तरह से पेयरिंग करें, थोड़ा सा स्पेस होना ज़रूरी है आपके नेक डिज़ाइन और आपके नेकलेस के बीच में। दूसरी चीज़ कि अगर आप नेकलेस को ऊपर से पहन रहे हैं, लाइक लॉन्ग नेकलेसेस पहन रहे हैं जो आपके कपड़ों के ऊपर से आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए जो आपके कपड़े हैं वो थोड़े से प्लेन में रहें, क्योंकि प्लेन के ऊपर जब आप नेकलेसेस पहनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करेंगे। तो ये दो चीज़ आप हमेशा फॉलो कीजिए। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट्स हैं। बाकी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टाइप के नेकलेसेस की, यानी कि चोकर पट्टीज़ की, जो हम गर्दन के बीच में पहनते हैं, इस तरह से जो पहनते हैं ऊपर की तरफ। और इस तरह के जो नेक पीसेज हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं अभी, और बहुत अमेजिंग लगते हैं ये ऑफ शोल्डर्स के साथ, स्ट्रैपलेस ब्लाउजेस के साथ, कॉर्सेट्स के साथ, या फिर ट्यूब टॉप्स के साथ। इस तरह के जो नेक डिज़ाइंस होते हैं ये इसके साथ बहुत अमेजिंग लगते हैं। बेसिकली ये ओपन नेक लाइंस के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें इनको स्पेस मिलता है काफ़ी फ्लॉन्ट होने के लिए। आप इनको डीप नेक्स के साथ भी पहन सकते हैं, डीप राउंड नेक और स्ट्रैपी नेक्स जो होते हैं, बहुत थिन स्ट्रैप्स जिसमें होते हैं, उस टाइप के ब्लाउजेस के साथ ही बहुत अमेजिंग लगते हैं। राउंड नेक्स के साथ भी, जैसे मैंने पहना हुआ है, इस तरह से भी बहुत अच्छे लगते हैं। वी नेक्स के साथ भी, डीप वी नेक्स के साथ आप इनको पेयर कर सकते हैं। जितने भी डीप नेक्स हैं, स्क्वायर, राउंड, इनफैक्ट ये कॉलर नेक्स के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे इस टाइप कॉलर टाइप्स जो नेक्स होते हैं ना, इनके साथ आप पतली पट्टी अगर पहनेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने इसको अपने एक ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है, यहाँ पे ये सिल्वर में है ये चोकर, और ये बहुत अमेजिंग लगता है। मैं इसको ब्लेज़र के साथ भी स्टाइल करती हूँ। तो इस तरह से इन नेकलेसेस को आप पहन सकते हैं। मेरे पास ये वाइट कलर में है एक, और एक मेरे पास मल्टी कलर में है, और मैं उसको अपने लहंगे के साथ पेयर करती हूँ। इसका जो नेक है इस ब्लाउज़ का, ये भी काफ़ी डीप है, तो इसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के जो नेक पीसेस होते हैं ना, ये पतली गर्दन पे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनकी लंबी गर्दन होती है और जिनका ये वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा पतला होता है। जैसे दीपिका पादुकोण बेस्ट लगते हैं उसके ऊपर चोकर्स, वो बहुत ज़्यादा पहनती भी है और उसके ऊपर अमेजिंग लगते हैं। तो इस टाइप की अगर आपकी भी लंबी गर्दन है और आपका नीचे से फेस काफ़ी पतला है, तो आप ऐसे चोकर पट्टी स्टाइल करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। एंड अगर आपका फेस राउंड में है और काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और नेक अगर आपकी छोटी है, तो आप इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे ना फ्रेम कट होता है, थोड़ा सा नेक आपकी और भी छोटी लगती है इस तरह की पट्टीज़ पहनने से, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं जैसे मैंने स्टाइल किया है। आप डीप नेक पहनिए, डीप नेक ब्लाउज पहनिए, एंड देन हाई बन बना लीजिए उसके साथ, तो उसमें एक इल्यूजन आता है लॉन्गर नेक का, गर्दन थोड़ी सी लंबी दिखती है, तब आप ज़रूर पेयर कर सकते हैं इस तरह के चोकर पट्टीज़। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह के जो चोकर नेक पीसेज होते हैं ना, इनके साथ बड़े बड़े ईयरिंग्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। स्टड ईयरिंग्स इनके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे ईयरिंग्स आप पहन सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल मत पहनिए। जैसे मैंने यहाँ पर ईयरिंग्स नहीं पहने हैं, तो आप चाहे तो छोटे ईयरिंग्स पहन सकते हैं, या फिर आप स्किप कर सकते हैं। बड़े बड़े ईयरिंग्स ऐसे नेक पीसेस के साथ बिल्कुल नहीं जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चोकर नेकलेसेस की। चोकर नेकलेसेस जो होते हैं वो थोड़ा सा गर्दन के नीचे की तरफ हम पहनते हैं। ये तो चोकर पट्टी है जो हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ पहनते हैं, जो थोड़ा सा नीचे की तरफ हम पहनते हैं, जो बिल्कुल कॉलर बोन पे चिपक के आता है, उनको हम चोकर नेकलेसेस बोलते हैं। अगेन, ये भी बहुत अमेजिंग लगते हैं सभी डीप नेक लाइंस के साथ। जितने भी डीप नेक्स हैं आपके, उनके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। ऑफ शोल्डर्स के साथ, ब्रॉड यू शेप, ब्रॉड राउंड शेप, ब्रॉड स्क्वायर शेप, हार्ट शेप, इस तरह के जितने भी नेक लाइंस होती हैं, इनके साथ ये बहुत अच्छे से जाते हैं। क्लोज राउंड नेक्स के साथ आप इसको पहन सकते हैं, प्लेन सॉलिड कलर में, अगर आपका जो नेक लाइन है वो एकदम
प्लेन कलर में है और काफ़ी छोटा है, तो उसके ऊपर से आप इसको पहन सकते हैं। बहुत अमेजिंग लगता है उनके साथ भी, ऐसा लगता है कि आपके नेक डिज़ाइन का ही एक पार्ट है और एम्ब्रॉयडरी की गई है आपके नेक डिज़ाइन में, तो इस तरह से भी आप उसको स्टाइल कर सकते हैं। बस प्लेन होना चाहिए आपका आउटफिट, कुर्ती ब्लाउज जो भी आप पहन रहे हैं वो प्लेन अगर होगा तो ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा आपका नेक पीस। एंड दिस इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल पीस ऑफ माई ज्वेलरी कलेक्शन। मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया था अपनी बेसिक वार्डरोब एसेंशियल वीडियो में, एथनिक वार्डरोब एसेंशियल वीडियो में, जैसे मैंने 10 आइटम्स शेयर किए थे जो हम सभी के वार्डरोब में होने ही चाहिए, और उनमें से एक है ये कुंदन नेक पीस। ऐसा एक नेक पीस ज़रूर होना चाहिए अपने वार्डरोब में। मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ इस नेक पीस को, जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता मुझे कौन सा नेकलेस पेयर करना है, मैं इसको पहन लेती हूँ और सभी के साथ ये बहुत अमेजिंग दिखता है, सभी के साथ मैच हो जाता है, सभी कुर्तीज़ के साथ, सिल्क साड़ीज़ के साथ, लहंगे के साथ, सभी के साथ बहुत अमेजिंग लगता है। तो अगर आपको चोकर नेकलेसेस पसंद हैं तो इस तरह का कुंदन नेकलेस आप ज़रूर लीजिए अपने लिए, सभी आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा, जितने भी पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं उनके साथ, वेडिंग फंक्शंस में आप इनको स्टाइल कर सकते हैं। सिंपल सी ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छा हैवी लुक मिल जाता है इंस्टेंटली। मेरे पास एक ये नेकलेस है और मैं इसको बहुत कम पहनती हूँ, और जब से मैंने लिया है तब से बस ये मैंने एक या दो बार ही पहना है, एंड बहुत हैवी लुक मिलता है क्योंकि, और मेरे इस नेकलेस के साथ तो ईयरिंग्स भी बहुत हैवी है, तो या तो मैं सिर्फ नेकलेस पहन लेती हूँ या फिर ईयरिंग्स सिर्फ मैं इसके यूज़ करती हूँ, एक साथ तो मैं बहुत कम पहनती हूँ। अगर आप ब्राइड हैं तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं, थोड़ा हैवी लुक अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल पहनिए, बट मैं कहूँगी कि ऐसे हैवी नेक पीसेस के साथ थोड़े छोटे ईयरिंग्स पहनिए, स्टड ईयरिंग्स पहनिए, वो बेस्ट लगते हैं। नाउ अगेन, अगर आप हैवियर साइड पे हैं, आपकी अपर बॉडी काफ़ी हैवी है, आपकी नेक काफ़ी शॉर्ट है, आपका फेस भी हैवी है, तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए ऐसे नेक पीसेस को, और क्योंकि बहुत हैवी होते हैं, काफ़ी भरा भरा लुक मिलता है, तो आपका चेहरा और हैवी लग सकता है, तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन से नेकलेसेस आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपकी गर्दन काफ़ी पतली है, आपका फेस बहुत पतला है, तो आप ऐसे नेक पीसेस ज़रूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी भरा भरा लुक मिलता है। अब बात करते हैं राउंड नेक पीसेस की, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ इनकी होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा ही ट्रेंड में होते हैं, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। तो इस तरह के जो राउंड नेकलेसेस होते हैं, थोड़ा सा नेक से हम थोड़ा सा नीचे पहनते हैं, अपनी कॉलर बोन से थोड़ा सा नीचे की तरफ से ये पहने जाते हैं, और बहुत अमेजिंग लगते हैं सभी नेकलाइंस के साथ। अगेन, ओपन नेकलाइंस के साथ अगर आप पहनेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे राउंड नेक्स के साथ और डीप नेक्स के साथ, वो बेस्ट लगते हैं ये राउंड नेक्स के साथ एंड स्वीट हार्ट शेप के साथ, इस तरह के नेकलाइंस बेस्ट लगते हैं। एंड कॉलर नेक्स के साथ भी ये बहुत अच्छे से लगते हैं, जैसे शर्ट के ऊपर से आप इनको पहन सकते हैं, या फिर हाई नेक्स के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, प्लेन हाई नेक्स के साथ अगर आप इनको पहनेंगे तो बहुत अमेजिंग दिखते हैं, बहुत एजी लुक मिलता है। एंड स्पेशली विंटर्स में तो मैं इसको इस तरह से बहुत स्टाइल करती हूँ, हाई नेक्स के साथ मैं ऊपर से इस तरह के नेकलेसेस पेयर करती हूँ। तो अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप कुंदन में ले सकते हैं, अगेन अगर आप की जो कुर्ती है वो सिल्क में है तो आप कुंदन में, या फिर पोल की सेट्स, या फिर गोल्ड में आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपको सिल्वर में इस तरह के नेक पीसेस पहनने हैं तो वो सबसे अच्छे लगते हैं कॉटन कुर्तीज़ के साथ, कॉटन साड़ीज़ के साथ। नाउ नेक्स्ट, इसी का एक वर्जन है जिसमें आपके पेंडेंट्स आ जाते हैं राउंड में एंड पेंडेंट्स, तो ये वाले जो नेकलाइंस हैं ये भी अच्छे लगते हैं डीप नेक्स के साथ, वी नेक्स के साथ, डीप स्वीट हार्ट शेप के साथ, ब्रॉड वी नेक्स के साथ, इनके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, इनके साथ आप इनको पेयर कर सकते हैं, एंड क्लोज हाई नेक्स के साथ भी आप इनको पहन सकते हैं। सो इस तरह के जो नेकलेसेस होते हैं ना, कॉलर बोन के एकदम नीचे से आते हैं और पेंडेंट की वजह से थोड़ा सा एक थोड़ा सा लंबाई का एक इल्यूजन आता है, आपकी गर्दन थोड़ी सी लंबी दिखती है, तो आपके लिए बेस्ट होते हैं इस तरह के नेकलेसेस। आप शॉर्ट में भी पहन सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग में भी पहन सकते हैं, अभी डिपेंड करता है नेक डिज़ाइन पे, किसी भी नेक डिज़ाइन के साथ इस तरह के नेकलेसेस पहन सकते हैं। लेकिन अगर छोटा है आपका नेकलेस, मतलब छोटी चेन के साथ पेंडेंट लगा हुआ है, तो डीप नेक्स के साथ आप उनको पेयर कीजिए, लेकिन अगर आपका नेकलेस थोड़ा सा लॉन्ग में है तो आप उसको किसी भी नेक डिज़ाइन के साथ पेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉलिड कलर के साथ पेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशली जो साड़ीज़ होती हैं प्लेन सॉलिड कलर में, सिल्क साड़ीज़ होती हैं, उनके साथ ऐसे गोल्ड वाले लॉन्ग नेकलेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। सो थोड़े से अगर आप हैवियर साइड पे हैं तो आप लॉन्ग नेक पीसेस को ट्राई कर सकते हैं, लॉन्ग नेक पीसेस परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। जितना लंबा आपका नेक पीस होगा ना, उतना अच्छा स्लिमिंग इफेक्ट मिलता है पूरी बॉडी, स्पेशली प्लेन आउटफिट के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। प्लेन कुर्ती के साथ अगर आप लॉन्ग नेक पीस पहनेंगे हैवी सा, तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट लुक मिलेगा। साड़ी है अगर आपकी प्लेन है तो आप उसके साथ ऐसा नेक पीस एक ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा पार्टी वेयर लुक मिलेगा। अगर आपकी साड़ी प्रिंटेड है
और आपको हैवी नेकलेस भी पहनना है तो आप थोड़ा सा इस तरह से अपना लूज पल्लू करके पहन सकते हैं। ब्लाउज को प्लेन कलर में रखिए, ऊपर से आप नेक पीस ऐड कर लीजिए और जो आपका पल्लू है या तो आप सीधा पल्लू स्टाइल में ले लीजिए या फिर थोड़ा सा लूज रखिए। इस तरह से पहनिए कि पेंडेंट साड़ी के ऊपर ना आए और ब्लाउज आपका प्लेन हो जाएगा, देन ऊपर से आप इस तरह के पेंडेंट्स ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट लुक मिलेगा। और कॉटन साड़ीज के साथ आप सिल्वर में पहन सकते हैं, सिल्क के साथ आप टेम्पल ज्वेलरी ट्राई कर सकते हैं या फिर आपकी जितनी भी पार्टी वेयर साड़ीज हैं उनके साथ आप कुंदन नेक पीसेस पहन सकते हैं। एंड इस तरह के नेक पीसेस में बहुत ज़्यादा वेराइटीज है, काफ़ी हैवी एलैबोरेटेड वर्जन आपको लॉन्ग नेक पीसेस में मिल जाएंगे, बट मैं कहूँगी कि अगर आपकी अपर बॉडी हैवी है, अगर आपकी ब्रेस्ट हैवी है तो आप इस तरह के नेकलेसेस अवॉइड कीजिए। सिंपल लॉन्ग चेन वाले विद हैवी पेंडेंट आप पहन सकते हैं, बट साइड में जिनके इस तरह से डिटेलिंग होती है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेयर्ड नेक पीसेस की। लेयर्ड नेक पीसेस कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें ऐसे मल्टीपल चेन्स होती हैं। इस तरह के नेक पीसेस सिल्वर में भी हैं, कुंदन में भी हैं और गोल्ड में भी आते हैं, तो इस तरह के नेक पीसेस आप पहन सकते हैं किसी भी सॉलिड प्लेन कलर के आउटफिट के साथ। ये बहुत अच्छे लगते हैं, स्टैंड आउट करते हैं। लेकिन नेकलाइंस ना थोड़े से शॉर्ट नेक्स पे बहुत अच्छे लगते हैं, जितने भी आपके बोट नेक्स टाइप हैं या फिर थोड़े से छोटी नेक के साथ अच्छे लगते हैं जब ये ऊपर से पैर करके इनको पहनते हैं। और प्लेन सॉलिड के साथ, अगर आप प्लेन कुर्ती के साथ आप इसको ऊपर से पहनेंगे तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट लुक मिलता है, एक पार्टी वेयर लुक मिलता है इंस्टेंटली। आप अपनी साड़ीज़ के साथ इनको ऊपर से पहन सकते हैं, कॉलर नेक्स के साथ आप इनको पहन सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कॉलर के साथ आप इसको ऊपर से पहन लीजिए एंड लहंगे के साथ पैर कर लीजिए, बहुत अच्छा इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक मिलता है, बहुत ही स्टाइलिश लुक मिलता है, जैसे अनुष्का शर्मा ने अपने एक सॉन्ग क्यूटी पाई में इस तरह से स्टाइल किया था। तो इस तरह से भी आप इन नेक पीसेस को स्टाइल कर सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं मार्केट में, सिल्वर में भी हैं, कुंदन में भी हैं। कुंदन नेक पीस अगेन बहुत वर्सेटाइल है, किसी भी साड़ी के साथ, किसी भी कुर्ती के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो आप कुंदन में इस तरह के नेक पीसेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी एंड कुछ ना कुछ हेल्प आपको इससे ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलता है कि कौन सी वीडियोस आपको ज़्यादा पसंद है मेरे चैनल पर, तो मैं उस तरह की वीडियोस ज़्यादा बनाती हूँ। एंड आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर भी मैं अपनी सारी फैशन पोस्ट्स अपडेट करती रहती हूँ, स्टोरीज अपडेट करती रहती हूँ। सो डू ज्वाइन मी देयर। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।